मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से मिली जमानत। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। राहुल गांधी को 25,000 रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी गई है। इससे पहले राहुल आज सुबह कोर्ट में पेश हुए। यह मामला 4 अगस्त 2018 को एक भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में सुल्तानपुर की दीवानी अदालत में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। कोर्ट में आज उन्होंने सरेंडर किया। राहुल गांधी जी ने स्वयं को सरेंडर किया और माननीय न्यायालय ने उनको करीब आधे घंटे पौन घंटे कस्टडी में लेने के बाद उनकी जमानत अर्जी पेश हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत मंजूर हुई है। आगे फर्दर वो डेट अभी नहीं लगी है, डेट लगेगी। राहुल गांधी जी के अधिवक्ता ने कहा कि हम निर्दोष हैं और इस तरह से हमने कुछ भी नहीं कहा है। हमने उस पर अपोच किया, अपना विरोध जताया और चूंकि जमानत जमानती अपराध है, धारा 500 IPC बिलेबुल ऑफेंस है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर हुई है। नहीं, कोर्ट पे क्या, उन्होंने कोर्ट का रेस्पेक्ट किया, कोर्ट का रेस्पेक्ट करने है और उन्होंने अपना पर्सनल बांड दाखिल किया, अपनी सेवटीज दाखिल किया और उनको पर्सनल बांड और दो लोकल सेवटीज पे उनको रिहा किया गया है। आगे की डेट अभी नहीं आई है, आगे की डेट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी।